करने चाह रहे हैं? देखिए सरकार जवाब देने कहाँ चाह रही है, हम लोग सदन में मांग किया, हम लेते हैं, कहाँ की बात, इमरजेंसी की बात करेंगे। आपको चर्चा करना चाहिए कि ये जो देश में बेरोजगारी है और बिहार के लोग उनकी बातों से देख चुके हैं, झांसे में आने वाले नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। औरंगाबाद में आरजेडी ने बड़ा झंडा गाड़ दिया, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता को उतार कर अभय कुशवाहा को वहां पर जिता दिया है। और अभय कुशवाहा जब जीत कर आते हैं तो आरजेडी के संसदीय दल के नेता भी चुने जाते हैं। और संसद भवन के अंदर जब हम देखते हैं कि अभय कुशवाहा भाषण देते हैं, बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया है। आज बीजेपी को लेकर के भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। आरजेडी का आज 250वां स्थापना दिवस था, उस दरमियान जब ने आरजेडी दफ्तर के बाहर उनसे प्रश्न किया है कि क्या चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया, तो उस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। बीजेपी के अंदर जो कुशवाहा समाज को लेकर के राजनीति काफी तेज हो गई है, उस पर भी अभय कुशवाहा ने बड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम वीडियो फुटेज के साथ थोड़े चलते हैं, जुड़े गई भारत कल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापना दिवस पर आरजेडी कार्यालय देखिए, स्थापना दिवस पर माननीय नेता ने जो हमने एक मंत्र दिया है, उस पर हम सभी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े उतरेंगे और 2025 में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सत्ता है। नेता सदन है, आप क्या कहेंगे जो विपक्ष का लगातार जो रवैया है उसको लेकर पत्रकार कर रहे हैं कि सरकार का जवाब आपसे सुनना नहीं चाह रहे हैं? देखिए सरकार जवाब देने कहाँ चाह रही है, हम लोग सदन में मांग किया, हम लोगों ने मांग किया कि छात्र बेहाल है, छात्र की स्थिति बहुत खराब हो रही है। अब छात्र के सवाल पर नीट पर एक दिन पूरा सदन में चर्चा करवाइए, लेकिन कहाँ सुनी, चर्चा के लिए तैयार है तब तो। और सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर बातें करते रहते हैं, जो अभी की बात करनी चाहिए उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं और ले आते हैं, कहाँ की बात, इमरजेंसी की बात करेंगे। आपको चर्चा करना चाहिए कि ये जो देश में बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी की आप दूर करने की बात 2014 में किया था, उसकी सब उसका क्या हुआ, महंगाई दूर करने की बात की थी उसका क्या हुआ, आप जाति आधारित गन्ना की बात हुई थी उसका क्या हुआ, आप किसानों का आय दोगुना करने की बात कही थी उसका क्या हुआ, 15-15 लाख लोगों के खाते में जाएगी उसका क्या, उस पर कोई चर्चा होती है? कोई चर्चा नहीं। देश को सिर्फ गुमराह करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी आज नहीं हमेशा से करते आ रही है, और निश्चित तौर पर देश और बिहार के लोग उनकी बातों को देख चुके हैं, झांसे में आने वाले नहीं है। हम किला ढहाने नहीं गए थे भैया, वो किला बरकरार है, और निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन वहाँ हुई है, और गरीब गुरुआ की सत्ता वहाँ पर 90% आबादी की सत्ता औरंगाबाद में आई है, और 90% की जो सत्ता आई है वहाँ विकास की धारा निश्चित तौर पर आने वाला समय में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700।